जब राजा पहले के जमाने में, पहले के समय में कोई राजा, कोई बड़ा भविष्यवक्ता, कोई महान पुरुष प्रवेश करता था तो या तो घोड़ों पर या तो हाथी पर प्रवेश करता था, लेकिन यीशु मसीह ने गधे को चुना, क्योंकि गधा ऐसा प्राणी है जो सबसे नम्र होता है, जो सबसे दीन होता है। यीशु मसीह इस बात यह साबित करना चाहते थे कि मैं युद्ध करने के लिए नहीं आया हूं, मैं बदला लेने के लिए नहीं आया हूं, मैं जो बैठ के आ रहा हूं मैं नम्र राजा हूं और तुम्हारे जीवन में भी मैं नम्रता चाहता हूं। वो परमेश्वर दिखाना चाहता था अपनी नम्रता को, अपने प्रेम को, और उस जगह पर वो गधे पर सवार होकर वहां पर जाते और लोग होसाना होसाना, दाऊद की संतान की होसाना, जो प्रभु के नाम से आया है उसकी होसाना, वो हाथों को उठाकर उसकी महिमा करके होसाना गाते हुए उस राजा को वहां से प्रवेश करवाते हुए विजय के साथ वहां पर प्रवेश होता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को पता था आने वाले दिन में क्या होने वाला, परंतु वो विजय के साथ वहां से वो गया और उस समय में भी उसने नम्रता के पाठ सिखाया। दूसरा चीज, उसने बंधे हुए को रिलीज किया। यह हमको दिखाता है कि हम भी बंधे हुए थे, हम भी बंधे हुए थे। कभी कभी पांच संध्या आता तो हम बोलते कि मैं बंधा हुआ था, प्रभु ने आजाद किया, लेकिन हर एक दिन क्या आज भी हमें कोई पाप में शैतान ने बांधा हुआ है, कोई गुलामी में शैतान ने बांधा हुआ है, कोई हमारे वीकनेस में शैतान हम पर कब्जा करता है, कोई ऐसी बात है हमारे जीवन में जिसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, वो भी गुलामी है, वो भी बंधन है। और उस बात से आज के पांच संडे में फिर से परमेश्वर याद दिला रहा है कि मैं तुझे छुड़ाने के लिए। इस पांच संडे के वाकई अगर हम मतलब को समझेंगे, आज भी यीशु हमें छुड़ाना चाहता है, हमारे कमजोरी से, हमारे गुस्से से, हमारे नफरत से, हमारे अहंकार से, हमारे घमंड से, हमारे व्यभिचार से, चोरी से, इस संसार की लोकल कोई भी बुराई अगर शैतान ने हमारे जीवन में डाला है, हमारे घरों में अशांति डाला है, हमारे जीवन में शैतान ने अगर बांध दिया है, यीशु आज छुड़ाने के लिए आया है। उस गधे की बच्ची के समान आप और मुझे छुड़ाना चाहता है। और पता है हम आज गधे नहीं है, परंतु यीशु मसीह ने आज हमें अपना संतान बनाया हुआ है और वो हमारे जीवन में बैठता नहीं है परंतु राज करता है, वो हमारे जीवन में आशीष देने के लिए वो कहता है तुम मेरे संतान चाहता है कि उसके द्वारा छुड़ाया जाए। हालेलुया। आइए बड़े आनंद के साथ, क्योंकि ये आनंद का दिन है, याद रखिए ये आनंद का दिन है, यीशु आज हमें छुड़ाकर यहाँ से लेकर जाने वाला है। आज हम छुड़ेंगे, हमारा घराना छुड़ेगा, हमारा परिवार छुड़ेगा, हमारा अपना जीवन में कोई भी शैतान का गढ़े नहीं बचेगा। आज हम उसके आजादी में उसकी महिमा करके उसके वचन को सुन के यहाँ से जाने वाले हैं। तो आइए उस नाम को जो सारे नामों में ऊंचा है, जो सर्वश्रेष्ठ नाम है, उसकी हम होसाना गाएंगे, हालेलुया गाएंगे और हम सब मिलकर उसकी प्रशंसा करेंगे। जो लोग वहां पर होसाना कह रहे थे वो तो केवल ये देखकर कह रहे थे कि उसने लाजर को जिलाया है, कोई कहते थे कि ये भविष्य होता है, कोई कहते थे कि ये बड़ा आदमी है, कोई कहते थे ये राजा है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि वो क्रूस पर हमारे लिए मरकर जी उठा हुआ मसीह है, वो हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर है, उनसे पढ़कर हम जानते हैं कि वो हमारे लिए सब कुछ है, वो हमारा बल, वो हमारे सामर्थ्य, वो हमारा ताकत है, वही आने वाला हमारा राजा, वही हमारा भरोसा है। आइए उनसे बढ़कर वो अपने प्राण आत्मा मन से सामर्थ्य से बुद्धि से उसकी स्तुति करें। आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे
दिया। आइए हम इस अगले गीत के द्वारा भी उसके नाम की स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि सारे जहां में वही है एक नाम जो श्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, जो सबसे महान है, और उसके सामने हर एक घुटना टिकता है। तो आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, मिलकर होशाना तेरे गाते। आइए हम जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, मगन हैं, सारी बातों को, सारे चिंताओं को पीछे छोड़कर ये समय हम स्तुति के वस्त्र को धारण कर लें। राजा दाऊद के दीदी भी बोलती थी, अरे तू तो राजा है, कहां इसे दूसरों के साथ में नाच रहा है। लेकिन जब वो प्रभु की हुजूरी को उसने जाना, जब परमेश्वर की उपस्थिति को उसने जाना, अपने वस्त्र को निकाल कर स्तुति के वस्त्र को पहनकर उसकी उसने परमेश्वर की महिमा की। हालेलुया। तो अपना वस्त्र क्या है? कभी कभी अपना वस्त्र हमारी चिंता, हमारी अपनी बातें, हमारे अपने संसार, अपनी दुविधाएं, ये भी हमारे अपने पकड़े हुए वस्त्र है, हमारा अपना है। मैं तो इतना पुराना, इतना बड़ा, मैं इतना कैसे कि मैं हाथों को उठाकर नाच सकता हूँ। परमेश्वर के लिए हमें कभी नहीं शर्माना है, क्योंकि यीशु हमारे लिए नहीं शर्माया, वो निर्वस्त्र हो गया आप और मेरे लिए। सदा जहां भी हम रहे हमारे जीवन से उसकी स्तुति हो। आइए हम आनंद करेंगे, जो परमेश्वर हमारे साथ है, वो लाल समुद्र को दुभागने वाला वो परमेश्वर है। वो तूफान और आगे में आप सोचते हैं, प्रभु तू हमारा सुन रहा कि नहीं, सुन रहा कि नहीं। कभी कभी हम इंसान होकर प्रश्न करते हैं, प्रभु तू कहां है? लेकिन वो परमेश्वर जंगल में तार बनाने वाला परमेश्वर है, समुद्र को दुभागने वाला परमेश्वर है, मरा वाला उसको जी उठाने वाला। ऐसे दिन में जब वो यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था, लोग ये क्यों आए उसके पीछे पता है? और ये तो लाजर को जी उठाने वाला इंसान है, परंतु वहां पर मैं तो जानते हैं उसने तो आप और मेरे पापों को मिटाकर हमें स्वर्ग देने वाला परमेश्वर है। तो हम शांत नहीं रह सकते, हम आनंदित हो जाए, मगन हो जाए, सारी दुविधा और चिंता को यीशु के चरणों में सौंपे, परमेश्वर हमारा कार्य कर रहा है। हालेलुया। फिर से मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर हमारे लिए कार्य कर रहा है। आने वाला दिन विजय का दिन है, आने वाला दिन फलवन का दिन है, आने वाला दिन आत्मा का भरपूरी का दिन है, आने वाले दिन पवित्रता का दिन है, आने वाला दिन हमारे घरों में छेदकार होगा, वो मसीह के सामने हम देखेंगे। इस संसार के लिए आप और मैं फल लाने वाले फिर से वही लोग हमारे जीवन से बसना करेंगे, फलों को पाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ 2024 आत्मा को जीतने का साल, गवाही का साल है, हमारे जीवन परिवर्तन का साल है। ये साल में हमारा जीवन बदलेगा, परमेश्वर हमें पवित्र ठहराएगा, और ऐसे हम आत्मा से भरे हुए लोग होंगे, हमारे छाए से भी शैतान भागेगा, बीमारी चंगे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने ये सामर्थ आप और मेरे अंदर डाला। हालेलुया। किसी भी बात की फिक्र ना करें, परमेश्वर के आनंद में उपस्थिति में उसकी महिमा करे, मगन हो जाए। आइए उसके नाम पर मिलकर, यहाँ पर अकेला नहीं बोल रहा है, मिलकर होशाना गाते हैं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। Yeah.
शत्रु को हरा दिया है, संसार को जीत लिया है, मृत्यु से भी पार होकर जो अनंत जीवन आप और मुझे दिया है, उस परमेश्वर की बुलाव को हम जाने और इस समय उसकी निरंतर महिमा करें। आमीन। आइए सब मिलकर इस गीत को गाएंगे। राजाओं का राजा रे, वो प्रभुओं का प्रभु रे, चर्च भी जा रहे हो, बाइबल भी पढ़ रहे हो, सब कर रहे हो ना, कुछ हुआ क्या?
शैतान जानता है परमेश्वर के वचन के खिलाफ कैसे आपको मुझे विश्वास मिला, कैसे मैं फंसाए। प्रभु ने क्या बोला, यीशु का नाम इमानुएल रखा गया जो संग संग चलने वाला परमेश्वर है। और बाइबल कहता है सब कुछ मिट जाए लेकिन उसका वचन कभी भी नहीं मिटता है, वो सच्चा है। यीशु ने कहा मतलब कहा वो आप और मेरे संग है, परंतु शैतान इसके विरुद्ध आपके और मेरे अंदर बीज को बोता है ताकि समस्या और तूफान में हम प्रभु के पास ना जाए, प्रार्थना ना करें, वचन ना पढ़े, परंतु हम दुखी होकर रोकर उदास होकर मैं ऐसा क्यों, मेरा ऐसा क्यों हुआ कोसते हुए हम शैतान के बातों पे आकर अविश्वास की तरफ चले जाए। शैतान का षड्यंत्र है, लेकिन यीशु मसीह ने उस शैतान को हराया है। आपको मुझे जानना है हमारा परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला, उसका इमानुएल नाम है, वो सदा हमारे संग है, चाहे हम आंसू में हो, तूफान में हो, खुशी में हो, आनंद में हो, हर हालात में वो आप और मेरे साथ में रहने वाला। अरे अगर हम उसके विरुद्ध चले जाए, थोड़ा हमने गलती कर ली है और उसने हमें छोड़ दिया, तो फिर परमेश्वर नहीं, तो इंसान का प्यार है, तो इंसान का प्यार है, फिर आप आध्यात्मिक प्रेम क्यों बोलते हैं। 70 बार भी मेरे लोग गिरेंगे तो मैं उठाऊंगा बोलता है वो आपका मेरा परमेश्वर है। समस्या में आप कभी भी ना सोचे कि मुझे प्रभु ने छोड़ दिया है, मैं आपसे कहता हूं वो परमेश्वर के पास हर सवाल का जवाब है क्योंकि वही उत्तर है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, उसके पास भागना है, उसके पास भागना है, उसको अपने जीवन देना है, कहना है प्रभु मुझे दाऊद के समान मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे हृदय को जांच, मेरे जीवन को जांच, मुझे क्षमा कर, मेरे अधर्म से मुझे छुड़ा, तो मेरे जीवन में कार्य कर। और परमेश्वर अपने समय में हमारे जीवन को बलवंत करेगा, विजय से भी बढ़कर हमारे जीवन में वो सामर्थ्य करेंगे। हालेलुया। ईस्टर का अर्थ यही है, परमेश्वर के आगे प्रेम का अर्थ यही है। परमेश्वर हर समय में मैं तुम्हारे साथ उस संसार के अंत तक भी नहीं छोड़ूंगा, अगर कोई छोड़ता है तो वो मनुष्य है, परमेश्वर की हुजूरी से दूर भाग जाता है, परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता है, उसके पास सब कुछ है। आइए समय उसके पास आए, उसके कहे प्रभु मैं जानता हूं तू सर्वोच्च है, तू सबसे बड़ा है, मेरे लिए भलाई और कहीं नहीं केवल तेरे पास है, मुझे धीरज दे, सामर्थ्य दे, तेरी महिमा को मैं देख सकूं। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएंगे, सर्वोच्च तू, उसे कहे तू मेरा राजा है, मुझ पर तेरी आज राज होने का है। Thank you.
Yesu Masih.
Thank you.
तेरे पास हमारे लिए जीवन है प्रभु, तेरे पास हमारे लिए रोशनी है, तेरे पास हमारे जीवन के हर एक प्रश्न का जवाब है। तेरी हुजूरी में ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा बल है, ऐसा शक्ति है हम सबको प्रभु, कि हम सदा जाने कि हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम सदा जाने कि उसकी निगाहें हमारे ऊपर है, हम सदा जाने कि वो हमें जीवन देना चाहता है, हम सदा ही जाने कि हमारे लिए हर बातों में हमारा ही बना है। हमें मदद करना प्रभु, ये हृदय सदा तुझे चाहे, सदा तुझसे प्रेम करे, सदा तेरी बातों को माने, सदा तुझे खोजते रहे प्रभु। धन्यवाद है तेरे सुंदर आनंद का दिन तुमने दिया, तेरे सारे दासों के साथ, तेरे सारे लोगों के साथ, तेरे सारे बच्चों के साथ, आज हम सब एक परिवार होकर प्रभु हम तेरी हौसला गा पाए, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, तेरी ओर अपनी नजर को लगाते हैं प्रभु। हम जानते हैं तू हमें बचाने और छुड़ाने आया है, तेरे वचन के द्वारा तू हमसे बात कर रहा है, यहां से और सामर्थी होकर और अभिषेकित होकर और बलवंत होकर और तेरे विश्वास के द्वारा भरकर हम यहां से जाने वाले हैं। धन्यवाद करते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में सौंप रहे हैं, धन्यवाद की हम तेरी आराधना कर रहे हैं, धन्यवाद है प्रभु। हमारे गीत और संगीत, हमारी आवाज, हमारी आराधना कम पड़ जाते हैं जो तूने प्रभु हम पर रहम किया है, हमारी आराधना से भी ऊंचा तू है, आसमान से भी ऊंचा तू है, तेरी स्तुति सदा होता रहे प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा प्रशंसा आदर की योग्य केवल तू है, हम सब करते हैं और तुझे ऊंचा उठाते हैं प्रभु, नाम को धन्य कहते हैं, इस प्रार्थना विनती को हमारा जीवित उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हर एक जन पे है आमीन। एक बार खड़े होकर हमारे राजा के लिए जोरदार परमेश्वर के वचन से क्या मतलब है पाम संडे का।
अगर मत्ती की पुस्तक निकालें, आप सब निकाल सकते हैं, उसका 21वां अध्याय, वहां हम देखते हैं कि जब यरूशलेम के निकट यीशु मसीह पहुंचते हैं तो वो अपने चेलों से कहते हैं कि बेतफगे के पास जब वो आए तो उन्होंने चेलों को कहा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा मिलेगा, उन्हें खोल कर मेरे पास ले आओ, यदि तुमसे कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वह तुरंत उन्हें भेज देगा। सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहे हैं और जब बेतफगे के पास पहुंचते हैं तो क्या कहते हैं चेलों से कि जाओ सामने के नगर में, वहां सामने तुम्हें एक गधी अपने बच्चे के साथ मिलेगी और उस बच्चे को लेकर आना। अब ऐसे ही जाकर किसी का कुछ भी सामान उठा के तो कोई नहीं चल सकता, तो प्रभु बोलते हैं अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उसे भेज देगा। जब तुम कहोगे कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, वो तुरंत उसे भेज देगा। हम थोड़ा थोड़ा करके आज 21वें अध्याय का 1 से लेकर 11 वचन तक हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या मतलब है इन बातों का। सबसे पहले तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये समझाना चाह रहे थे कि जब तुम निकलोगे मेरे नाम से, जहाँ जाओगे वहां अगर तुम्हें ये दिखाई देगा, कुछ चीजें बदी हुई भी नजर आएंगी, तो भी अगर तुम ये कहोगे मुझे ये चाहिए तो वो हो जाएगा, क्योंकि तुमने एक इच्छा रखी है वो हो जाएगा। कई बार हमारे पास बहुत से कारण हो जाते हैं, हम कहते हैं कि नहीं कल मुश्किल है, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से चलते हैं ना, चीजें खुद ब खुद हमारे लिए खोल दी जाती है। यहाँ बंधे होने का, वो बंधे हुए को खुलवाने का क्या अर्थ है कि यीशु मसीह ये दिखा रहे हैं अगर मैंने तुम्हें आजाद किया है, अगर मैंने तुम्हें अपने लिए बुलाया है, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो तुम्हारे जीवन में आने वाली सारी रुकावटें अगर तुम इच्छा रखोगे तो खुलती जाएगी, खुद ब खुद तुम्हारे काम होते जाएंगे। अगर हम ये कहेंगे मेरा बहुत छुट्टी नहीं देता, तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम ये मांगोगे ना कि प्रभु पर मुझे तेरे भवन आना है तो ही मार देगा। यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारे लिए वो खोल दिया जाएगा। अगर तुम कहते हो मैं आज बीमार हूँ, कल मुश्किल है चर्च आना, आप आज कहो प्रभु आज तो मैं बीमार हूँ लेकिन मैं कल तेरे भवन में आऊंगा, वो बीमारी तुम्हें छोड़ देगी, उसे छोड़ना होगा, उसे तुम्हें खोलना होगा ताकि वो काम पूरा हो सके जिसका परमेश्वर को आपका प्रयोजन है। सबसे पहली बात यहाँ बंधे हुए को खोल कर लाना, यीशु मसीह कह रहे हैं प्रश्न भी ये होगा और उत्तर भी ये होगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ जाना है और मेरे वचन के अनुसार काम करना है। सबसे बड़ी बात पांच संडे पे आज हम ये सीख ले कि परमेश्वर को हमारा प्रयोजन है। ऐसा नहीं कि खुदा का काम हमारे बिना चल नहीं सकता, ऐसा नहीं है, लेकिन परमेश्वर को जरूरत है, प्रयोजन है, जरूरत है। हम सबको तो बहुत सी चीजों की जरूरत है, परमेश्वर को हमारी जरूरत है। वो चाहता है तुम इच्छा रखो, सब तुम्हारे लिए खुल जाएगा, सब बातें तुम्हारे लिए हो जाएंगी। आगे अगर हम देखें वो कहता है चौथा वचन, यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। क्यों होगा ये? क्योंकि परमेश्वर के द्वारा ये वचन कहा गया है, इसीलिए वहां पूरा हुआ, आज भी पूरा हो सकता है। आप अपने जीवन में इसे अजमा कर देख सकते हैं, हमने बहुत बार अपनी लाइफ में इस बात को अजमाया है, बहुत बार हमारे साथ ऐसी बातें हुई हैं कि हमें लगता था कल जब जाना बहुत मुश्किल है, परमेश्वर आपने ये काम तो दिया पर इसको हम कैसे करेंगे, जाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हमने ठान लिया, हमारा ठानना बहुत जरूरी है, जो प्रभु कह रहे हैं हम उसके अनुसार करेंगे तो उसके वचन के अनुसार पूरा होगा, खुद ब खुद चीजें हमारे लिए खुलती जाएंगी, खुद ब खुद हम अपने लिए खुलते जाएंगे, खुद ब खुद हमारा बॉस हमें खोलता जाएगा, खुद ब खुद बीमारी हमें छोड़ देगी, क्योंकि परमेश्वर के लिए हम जा रहे हैं, परमेश्वर के लिए हम तैयार हो रहे हैं। पांचवा वचन कहता है सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लादों के बच्चे पर। अगर आज के इस विषय को, आज के इस वचन को मैं कोई टाइटल दूं तो मैं यही दूंगी कि देख तेरा राजा तेरे पास आता है। मैं भाई जॉन से कहूंगी कि अगर आप टाइटल देंगे तो इसे नोट कर लें, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आप सब ये नोट करो, इसके बाद हम समझेंगे
कौन सा राजा हमारे पास आ रहा है और हमें क्या करना है। सिय्योन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है वरन लाजुक के बच्चे पर। अभी हमने वर्शिप में भी सुना कि राजा जो है गधे का नहीं आता, कभी भी उसकी एक पहचान होती है। राजा मतलब राजा है, राजा आ रहा है मतलब सब खड़े हो जाओ, राजा आ रहा है मतलब अपने आप को झुका दो, राजा आ रहा है मतलब वो हाथी पे आ रहा है, घोड़े पे आ रहा है, वो रथ पे आ रहा है, मतलब जो उसका है। आजकल तो मर्सिडीज में राजा चलते हैं, तो राजा की एक पहचान है उसका आना। यहाँ वचन क्या कह रहा है, वह नम्र है और गधे पर बैठा है। अगर हम संसारिक तौर पर देखें या बाइबल में भी हम पढ़ते हैं, बहुत से राजा हुए हैं, बहुत से राजा, पर जब सारे राजा उस पोस्ट पर आए, राजा बने, सत्ता में आए, सामंत में आए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया, लोगों को अपना गुलाम बनाना शुरू कर दिया, लोगों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए। फिरौन के राजा ने इजराइलियों के ऊपर अत्याचार करने शुरू कर दिए, उनकी मजदूरी नहीं वो देता था लेकिन भार बढ़ाने लग गया। यही संसारिक तौर पर भी होता है, जब राजा सत्ता में आता है तो वो लोगों को गुलाम बनाता है। क्यों? क्योंकि उसको ये पता है जब तक ये मेरे गुलाम रहेंगे मेरा राज टिका रहेगा। मुझे टिके रहने के लिए इनको गुलाम बनाना जरूरी है, ये मेरे अधीन रहेंगे तो मैं बना रहूंगा। लेकिन यहाँ वचन कह रहा है वो राजा नम्र होकर आ रहा है, गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आ रहा है, वो राजा खुद कुचला गया ताकि हम सबको वो ऊंचा उठा सके। वो नम्रता है उस परमेश्वर की, वो कहते हैं कि मैं इतना छोटा हो गया कि मैंने वो स्वर्ग का सिंहासन छोड़ दिया। वो राजा कह रहे मैं नम्र होकर आ रहा हूँ, गधे के बच्चे पर आ रहा हूँ, मैं तुम्हें गुलाम बनाने नहीं आ रहा, लेकिन जो बंधे हुए थे मैं उन्हें आजाद करने आ रहा हूँ। ये एकमात्र ऐसा राजा है जो कहता है मैं अपने अधीन नहीं करता तुम्हें, लेकिन मैं तुम जिसके अधीन हो वहां से तुम्हें आजाद करता हूँ, वहां से तुम्हें खोल देता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में आजादी लेकर आ रहा हूँ। वो राजा हूँ मैं, राजा तुम्हें गुलाम बनाते हैं ताकि उनका राज टिका रहे, लेकिन मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। अब चेले गधी के बच्चे को ले आए और क्या किया, वहां लिखा है वचन में उन पर लोगों ने क्या किया, गधी के बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान को होशैना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशैना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है, यह कौन है। जब उसने प्रवेश किया वहां हलचल मच गई, जहां यीशु मसीह जाते हैं वहां हलचल मच जाती है, शैतान का राज्य डगमगाने लगता है, वो शैतान कांपने लगता है, वो शैतान भागने लगता है, बीमारी वहां से दौड़ने लगती है, गरीबी वहां से निकल जाती है, क्योंकि यीशु मसीह एक पौधा रखते हैं, यीशु मसीह एक सामर्थ रखते हैं। वचन कहता है कि लोगों ने क्या किया, गधी के बच्चे पर और उसके रास्ते में अपने मार्ग में जो अपने कपड़े बिछाए, और यहाँ लिखा है कि उन्होंने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जबकि योहन्ना के पुस्तक में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक पंक्ति में योहन्ना कहता है कि उन्होंने खजूर की डालियां हाथ में ली। सिर्फ योहन्ना ये बात कह रहा है कि उन्होंने खजूर की डालियां हाथ में ली, तो इसलिए यहाँ पर वचन ये कह रहा है कि उन्होंने डालियां काटकर मार्ग में बिछाई ली और हाथों में लहराने लगे और नीचे भी बिछाने लगे। दो चीजें हैं, पहली चीज तो हमने देखा ये राजा हमें आजाद करने आया है, गुलाम बनाने नहीं, दूसरी बात हाथों में डालियां ली और मार्ग में बिछाई कपड़े परमेश्वर के लिए, उसने यीशु मसीह के लिए रास्ते में बिछाए, और वो चिल्ला कर कह रहे हैं दाऊद के संतान को होशैना, धन्य वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशैना। और जब यीशु ने प्रवेश किया यरूशलेम में सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे यह कौन है, यह कौन है। परमेश्वर का वचन पांचवा वचन कहता है तेरा राजा तेरे पास आता है, यह कौन है। ग्यारहवा वचन कहता है लोगों ने कहा यह गलील के नासरत का भविष्य वक्ता यीशु है।
जो हमारे भविष्य को जानता है, जिसके पास प्रश्न भी है, जिसके पास उत्तर भी है, वो राजा है। वो सिय्योन की बेटी से कहता है, देख तेरा राजा तेरे पास आता है। आज हम दो चीजों का यहाँ देखेंगे कि इस पॉम संडे पर खजूर की डालियां और कपड़े, क्या अर्थ है इनका, क्या अर्थ है इन दोनों चीजों का। अगर हम खजूर की डालियों के बारे में देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है, अगर भजन संहिता 92 में देखते हैं 92 में, तो उसके 12 वचन में लिखा है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। यानी खजूर का महत्व है पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर के राज्य में। इसराइलियों को जब परमेश्वर निकाल कर लाया, लाल समुद्र को जब उन्होंने पार किया, वो शूर नामक एक जंगल में आए और वहां उन्हें प्यास लगी। जब प्यास लगी तो उन्हें कड़वा पानी वहां पर दिखाई दिया। उसके बाद अगर हम सारा पढ़ते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है आगे कि वहां उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उनके लिए 12 सोते खोले और 70 खजूर के पेड़ उन्हें दिखाए। यानी खजूर के पेड़ शुरुआत से थे, धर्मी खजूर के पेड़ के नाई फलेंगे और फूलेंगे। और उसके बाद अगर हम प्रकाशित वाक्य में जाते हैं, उसका 7वां अध्याय, तो उसके 9वें और 10वें वचन में लिखा हुआ है, यानी धर्मी सिंहासन के सामने भी। कहां पर? सिंहासन के सामने भी। यहां दिखाया जा रहा है कि सिंहासन के सामने कुछ धर्मी लोग खड़े हैं और वो धर्मी वहां क्या कर रहे हैं उनके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और वहां लिखा है, मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी हैं और बड़े शब्द से पुकार कर कहती हैं, उद्धार के लिए हमारे परमेश्वर का जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने का जय जयकार। आज ही वो उस समय जब यीशु मसीह आए तभी से हम खजूर की डालियां लेके नहीं खड़े। प्रकाशित वाक्य में भी जब हम उस सिंहासन के सामने खड़े होंगे, वो जो धर्मी लोग हैं, जो धर्मी हैं, अभी हम देखेंगे क्यों परमेश्वर ने धर्मी लोगों की तुलना खजूर के पेड़ से की है, क्या महत्व है इन धर्म खजूर की डालियों का। वो वहां अंतिम समय में यीशु के सामने, परमेश्वर के सामने, सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तब भी श्वेत वस्त्र और वहां खजूर की डालियां, वस्त्र और डालियां वहां भी जन्मी है। परमेश्वर का वचन क्या है, धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। क्या क्वालिटीज है खजूर के पेड़ की? मैंने बड़ा सर्च किया कि क्या क्वालिटीज है, क्यों परमेश्वर ने खजूर के पेड़ को इतनी अहमियत दी है, क्यों इतनी अहमियत दी है। सबसे पहले खजूर का जो पेड़ है ना, वो अकेला पड़ता है, कोई सींची हुई भूमि पर नहीं पड़ता, वो रेगिस्तान में पाया जाता है। और ऐसा नहीं होता कि खूब झुंड है पेड़ों का, अकेला होता है, कोई उसे सींचता नहीं है, कोई उसमें जाकर पानी नहीं देता, लेकिन वो अकेला वहां होता है। उसकी जड़ें नीचे फैलती जाती हैं और उन जड़ों से वो अपने पोषण के लिए अपना आहार लेता रहता है। यानी धर्मियों को जरूरी नहीं है कि वो दूसरों के ऊपर आधारित रहे, दूसरों के ऊपर निर्धारित रहे, परिस्थितियों के ऊपर आधारित रहे। परिस्थितियां क्या है, हालात क्या है, धूप है, गर्मी है, रेगिस्तान है, बारिश नहीं हो रही है, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर में जड़ पकड़ते जाओ, तुम्हारी जड़ें तुम्हें सींचेंगी, हर हालात में तुम्हें सींचेंगी, हर परिस्थिति में तुम्हें सींचेंगी। इसीलिए खुदा कहते हैं, खजूर की नाई तुम फलोगे फूलोगे। बहुत बार हमने इस पे प्रचार किया है, धर्मी लोग खजूर के समान फले फूलेंगे, हम अपने लिए भी क्लेम करते हैं, लेकिन क्या अर्थ है धर्मियों का और खजूर के पेड़ का, क्या मायने है हमारे जीवन में। दूसरी बात अगर हम देखते हैं तो खजूर का पेड़ जो है ना, एकदम से लगाया बड़ा नहीं हो जाता। खजूर का पेड़ की गति इतनी धीमी है, उसकी बढ़त इतनी धीमी है कि कम से कम 30 साल के बाद जाकर उसमें फल आता है और वो धीरे 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 बढ़ता है। और उसका जीवन कितना है, 100 से 140 साल। परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर के राज्य में धीरज होना बहुत जरूरी है। आज काम किया, कल सुबह उत्तर आ जाए, आज प्रार्थना करी, अभी उत्तर मिल जाए मुझे, मैंने दुआ करी है, उत्तर क्यों नहीं आया। परमेश्वर कहते हैं, धर्मियों को धीरजवंत होना है। धीरजवंत जो धर्मी होंगे, जो बने रहेंगे उस खुदा में, वही परमेश्वर कहता है टिके रहेंगे। हमारा जल्दबाजी आज का कार्य हो जाए कि नहीं, परमेश्वर कहता है लंबे समय तक बने रहने वाला कार्य मैं तुम्हारे जीवन में करना चाहता हूँ। बढ़त धीरे धीरे तुम्हारी होगी, उतावली परमेश्वर के राज्य का कोई नियम नहीं है। धीरज आत्मा का फल है।
और तीसरी बात अगर हम देखते हैं रेगिस्तान में उगने वाले इस खजूर के पेड़ की, उसमें फल जैसे हमने देखा धीरज कर कर आता है 30 साल के बाद, लेकिन उसका फल कभी खराब नहीं होता, ना कभी सड़ता है ना कभी गलता है, उसका फल कभी खराब नहीं होता। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो मुझमें बने रहेंगे वो फल लेकर आएंगे, और मैं चाहता हूँ जो तुम फल लाओ वो तुम्हारा फल बना रहे, वो फल तुम्हारा बना रहे, तुम्हारा फल खराब ना हो। लंबे समय के बाद आ रहा है ये चिंता मत करो, देरी से आ रहा है ये चिंता मत करो, लेकिन तुम्हारा फल बना रहे। अपनी बढ़त पर आज हम इतने हैं, ग्रोथ क्यों नहीं हो रही, पैसा क्यों नहीं आ रहा, क्यों सब बातें अच्छी क्यों नहीं हो रही, अरे मैं तो प्रभु में हूँ, दुनिया को दिखना चाहिए, मैं आशीषित हूँ, मेरे पास घर भी है कार भी है सब कुछ है। परमेश्वर कहता है धीरज धरो, जड़ पकड़ते जाओ, जितना तुम मुझमें जड़ पकड़ोगे उतना तुम्हारे जीवन में बढ़त आती रहेगी, तुम खुद को सींच पाओगे, अपने जीवन को सींच पाओगे। जल्दबाजी का जीवन मेरे पास नहीं है, पर परमेश्वर कहता है मेरे पास जो जीवन है वो बने रहने वाला जीवन है। धर्मी खजूर की नाई फलेंगे और फूलेंगे, पर वो फल जब आएंगे वो बने रहेंगे। यदि तुम धीरज धरोगे तो अपने जीवन में फलों को पाओगे, उस मुकुट को पाओगे, धीरज से दौड़ दौड़ोगे तो मुकुट आपके लिए रखा हुआ है। दूसरी चीज हम देखते हैं उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने अपने कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार कर मार्ग में बिछा दिए और उस गधी के बच्चे के ऊपर बिछाए ताकि यीशु मसीह उस पर बैठ सके। कपड़े क्या चीज है, जब हम आदम और हवा के बारे में देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में, जब परमेश्वर ने आदम को बनाया कोई वस्त्र नहीं थे, लेकिन क्या हुआ, उन्हें कैसे पता लगा कि हमारे पास कपड़े नहीं है, जब उन्होंने पाप किया, जब पाप किया तो उन्हें पता लगा हम नंगे हैं और हमें वस्त्रों की जरूरत है, और उन्होंने क्या किया, डालियां तोड़कर अपने लिए, पत्तियां तोड़कर अपने लिए कपड़े बना लिए, अपने आप को ढांप लिया। पर क्या वो कपड़े चलने वाले थे, नहीं। फिर परमेश्वर ने उनको देखा, सजा भी दी, उन्हें बाहर निकाल दिया सदन की वाटिका से, लेकिन उन्हें नंगा नहीं छुआ, चमड़े के वस्त्र उन्हें पहना दिए ताकि तुम्हारा नंगापन ढांपा जाए, ताकि तुम किसी को दिखाई ना दो। यानी कपड़े हमें ढांपते हैं, हमें कवर करते हैं, हमारा सब कुछ है। अगर हम कहें तो कपड़े हमारे जीवन का सब कुछ है, कीमती चीज है हमारे लिए कपड़े, हमारी इज्जत है कपड़े, हमारे नंगेपन को ढांपते हैं कपड़े, हमारा आदर है कपड़े। जगह जगह अगर हम देखें, एक दुल्हन का वस्त्र होता है, एक डॉक्टर का वस्त्र होता है, एक पुलिस की यूनिफॉर्म होती है, यानी कपड़े हमारी पहचान है, कपड़े हमारी पहचान है। जब दाऊद राजा परमेश्वर की वाचा के संदूक को लेकर आ रहा है तो वो आगे नाच रहा है, और क्या करता है, नाचते नाचते अपने कपड़े उतार देता है, और उसकी पत्नी क्या बोलती है मीकल उससे, तू तो तुच्छ नाच रहा है, तूने अपने आप को इतना तुच्छ कर दिया कि तू दासियों के आगे नाच रहा है, सब लोगों के आगे नाच रहा है, अपने कपड़े तुम्हें उतार दिए। कपड़े हमारी पहचान है, दाऊद एक राजा था और राजकीय वस्त्र एक अलग पहचान रखते हैं, लेकिन उसने वो कपड़े उतार दिए। परमेश्वर का वचन अगर हम देखते हैं तो वहां क्या लिखा हुआ है, कपड़े हमारी पहचान है। दूसरी चीज, कपड़े हमारे स्टेटस को बताते हैं। हर एक का जिसका जो ओहदा होता है वैसे उसके कपड़े होते हैं, जिसकी जैसी पोजीशन होती है वैसे उसके कपड़े होते हैं। चौकीदार के कपड़े अलग होते हैं, डॉक्टर के कपड़े अलग होते हैं, नर्स के कपड़े अलग होते हैं, साइंटिस्ट के कपड़े अलग होते हैं, पुलिस के अलग, और उनके कपड़ों से हम उनके ओहदों की पहचान करते हैं कि ये परमेश्वर इनके ने जो बनाई है चीजें, जो ये लोग बनाए हैं इनके लिए ये वस्त्र है। और पवित्र शास्त्र में भी हम पढ़े अगर कपड़ों के बारे में, तो परमेश्वर ने सबसे पहले आदम और हव्वा को कपड़े पहनाए। और अगर हम देखते हैं याकूब के बच्चों के बारे में, तो याकूब का सबसे प्रिय बेटा कौन था, यूसुफ। उसने क्या किया हुआ था, उसने उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा बनाया था, वो यूसुफ को पहनाता था कि वो उसका प्रिय पुत्र है, प्रेम को दर्शाता था, ये मेरा प्रिय पुत्र है। वो रंग बिरंगा अंगरखा उसकी पहचान था, मैं अपने पिता का प्रिय हूँ। जब उसके भाई उसे मार देते हैं उस गड्ढे में, तो क्या करते हैं, उसके कपड़े को लाकर उस पिता को दिखाते हैं, ये देखिए इसकी पहचान है, पहचान ये यूसुफ के कपड़े हैं, वो मारा गया है। और याकूब क्या करता है, याकूब अपने वस्त्र उतार कर टाट लपेट लेता है, यानी दुख के भी कपड़े हैं। पवित्र शास्त्र बताता है जब हम दुखी होते थे, जब पवित्र शास्त्र में लोग दुखी होते थे वो क्या करते थे, अपने उन वस्त्रों को उतार कर टाट ओढ़ लेते थे। गरीबी के कपड़े हैं, जब दुख और
परेशानी में होते थे। अगर हम देखते हैं कोड़ी बाहर बैठा है, कोई बीमार बाहर बैठा है, कोई अंधा बैठा है, तो क्या दिखाता था? उन्होंने एक चंदन लपेटी हुई है, सिर्फ एक कपड़ा उनका जो है वो उन्होंने लपेट के रखा है। ये वस्त्र पवित्र शास्त्र में दर्शाते हैं प्रेम को, प्रेम का वस्त्र है, रंग बिरंगा अंग रखा। टाट दर्शाता है दुख को, गरीबी दिखाती है, एक चादर के समान ऐसे ही लपेट कर वो बैठे हैं। जब रूथ को वो एक विधवा हो जाती है, वह बोआज के खेत में काम करती है, बोआज क्या करता है? अपनी चादर उसे उड़ा देता है, यानी उसके विधवापन को हटाकर उसे इज्जत देता है, आदर और मान की चादर उड़ाता है। यहूदा की बहू है तामर, जब तामर विधवा हो जाती है तो लिखा है वो वस्त्र विधवा के वस्त्र ओढ़ लेती है। राजा के वस्त्र है, जब वो निकलता है तो वो एक राजकीय वस्त्र धारण करके निकलता है। ये सारे वस्त्र पवित्र शास्त्र में दिए गए हैं। दुख के वस्त्र है, रोने और विलाप के समय में वो टाट ओढ़ लेते थे, अपने ऊपर राग की राग बन लेते थे, क्योंकि वो दर्शाते थे हम दुखी हैं, हम परेशान हैं। उनकी पहचान उनके वस्त्र थे। ये प्रिय है, इसने रंग बिरंगा रखा पहना हुआ है, ये दुखी है, इसने टाट लपेटा हुआ है, ये विधवा है, इसके वस्त्र ऐसे हैं, ये राजा है, ये राजा के वस्त्र ऐसे हैं। और अगर हम पवित्र शास्त्र में ही देखते हैं, वहां हम देखते हैं, अगर हम निकालें निर्गमन की पुस्तक उसके 28वें अध्याय में, तो वहां पर लिखा हुआ है, मूसा से परमेश्वर कहते हैं, तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना। निर्गमन एक्सोडस 28 चैप्टर 2nd वर्स में दूसरा वचन और 40वां वचन दोनों में ये बात लिखी हुई है। वहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि तू अपने भाई हारून के लिए वैभव और शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, यानी एक वैभव के वस्त्र है, शोभा के वस्त्र है, पवित्र वस्त्र है। फिर 40वें वचन में लिखा है, फिर हारून के पुत्रों के लिए भी अंगरखे और कमरबंद और टोपियां बनवाना, ये वस्त्र भी वैभव और शोभा के लिए बने। अपने भाई हारून और उसके पुत्रों को ये ही सब वस्त्र पहनाकर उनका अभिषेक और संस्कार करना और उन्हें पवित्र करना कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसे याजक ठहराया तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, वैभव और शोभा के वस्त्र में तुम्हें पहनाता हूँ। वैभव और शोभा के, पगड़ी उन्हें पहनाई गई, पगड़ी शोभा की प्रतीक है। परमेश्वर का वचन कह रहा है शोभा के निमित्त पवित्र वस्त्र बनवाना, यानी वस्त्र पवित्रता को दर्शाते हैं। अगर हम यशायाह की पुस्तक उसका 64वां अध्याय और 6वां वचन देखें तो वहां लिखा हुआ है, हमारे धर्म के कोई काम नहीं थे ऐसे। हमारे कौन से काम थे? परमेश्वर का वचन क्या कहता है यशायाह 64:6 में, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य जैसे हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चीथड़ों के समान है, यानी मैले और चीथड़ों के समान वस्त्र पाप को दर्शाते हैं, वो पाप को दिखाते हैं इससे पाप किया है। मैले वस्त्र पाप को दिखाते हैं, दाग धब्बे झुर्रियां हमारे पाप, हमारे गुनाहों, हमारी गलतियों को दिखाते हैं। हमारे जीवन में हमने कौन से वस्त्र धारण किए हुए हैं? अगर हम याकूब की पुस्तक निकालते हैं, उसका दूसरा अध्याय निकालें, तो वहां पर लिखा हुआ है कंगाल के वस्त्र भी हैं और सुंदर वस्त्र भी हैं। जब कलीसिया में कोई आए तो उन्हें उनके कपड़ों के हिसाब से मत बिठाना आगे। ये ना हो कि कंगाल के वस्त्रों में तुम पैचेस लगे हुए देखो तो तुम सोच रहे हो उसे पीछे बिठाए, और जिनके वस्त्र अच्छे हैं उन्हें आगे बिठाओ, यानी फटे हुए कपड़े, पुराने कपड़े कंगाली को दर्शाते हैं। ये वस्त्र सारे पवित्र शास्त्र में दिखाए गए, बताए गए हैं, ये वस्त्र हैं जो मैंने पहनाए थे, ये वस्त्र हैं जो लोगों ने अपने आप चुन लिए कि हम राजा हैं। तो परमेश्वर ने वैभव शोभा पवित्र वस्त्र दर्शाए। और न्यू टेस्टामेंट में परमेश्वर कहता है जब मैं अपनी कलीसिया को लेने आऊंगा तो मुझे दाग धब्बे और झुर्री रहित कलीसिया चाहिए। श्वेत वस्त्र दर्शाते हैं हमारी पवित्रता को, वो जब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे तब हमने श्वेत वस्त्र पहने होंगे। श्वेत वस्त्र वो दिखाते हैं, और परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैले और चीथड़ों के समान कपड़े हमारे पाप को दर्शाते हैं। और अगर हम देखते हैं 1 शमूएल 18:4 में, तो वहां कपड़े जो है हमारी हैसियत को दिखाते हैं। योनातान क्या करता है, जब उसका दाऊद के साथ में बहुत मन लग जाता है ना, तो वो अपना अंगरखा उतार कर उसको दे देता है कि अब तू मेरा दोस्त है, अब तू मेरे बराबर हो गया। योनातान जो है वो शाऊल के बाद में राजा बनने वाला था, लेकिन वो अपने वस्त्र
दाऊद को पहना देता है कि अब तुम मेरे समान है। ये कपड़े हमारी हैसियत को दिखाते हैं, हमारे आदर को दिखाते हैं, हमारी पहचान को दिखाते हैं। अगर हम पवित्र शास्त्र में ही दानियल की पुस्तक में देखते हैं तो वहां पर दानियल 5:7 में लिखा हुआ है, जब बेलशस्सर राजा दीवार पर कुछ लिखा हुआ देखता है, पढ़ नहीं सकता, तो वो क्या कहता है कि किसी को बुलाओ जो इसे पढ़े और इसका अर्थ मुझे समझा कर बताए, जो ये करेगा उसे मैं व्यंजनी वस्त्र पहनाऊंगा और वो मेरे राज्य में 3rd स्थान पर होगा, वो मेरे राज्य में अधिकारी होगा। वस्त्र अधिकार को दिखाते हैं, कपड़े हमारे अधिकार को दिखाते हैं। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा हारून को तो याजक चुन, यानी हमारी सेवा के लिए एक वस्त्र है, वस्त्र सेवकाई के, पास्टर, रेवरेंट, वर्शिप लीडर, ये वस्त्र जो है सेवा के दिखाते हैं। इस सारी तरह के वस्त्र परमेश्वर ने यहाँ पर लिखकर हमें दिखाए हैं, पवित्र शास्त्र में बताए हैं। और मैं इतनी जब वचन के लिए तैयारी कर रही थी, मैंने कहा प्रभु कुछ नहीं, ये दो चीजें मुझे समझा, खजूर की डालियों का क्या अर्थ था और कपड़े उन्होंने क्यों बिछा। कुछ ना बिछा सकते थे, अपने घर से धन संपत्ति सब वो ला के बिछा सकते थे, कुछ भी वो बिछा सकते थे। क्यों डालियां ही लेकर खजूर की वो लहरा रहे थे, क्यों उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए। परमेश्वर आज हमें ये सिखाना चाहता है उन दो बातों से, उन चीजों से, कि तुमने आज कौन से कपड़े पहने हैं। क्या दुख के कपड़े पहने हुए हैं, क्या गरीबी के कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुमने इस प्रेम के कपड़े पहने हुए हैं, क्या तुम अपने आप को एक आदर के योग्य समझते हो। जो तुम्हें आदर मिला तुमने उस वस्त्र को वस्त्र पहने हैं, क्या तुम्हारे पास अधिकार है, अधिकार के वस्त्र पहने हैं तुमने, प्रभुता तुम्हारे पास है उसके वस्त्र पहने हैं, या तुमने सेवकाई में कोई वस्त्र पहने हुए हैं, या तुम्हारे वस्त्र मैले चीथड़ों के समान है, कौन से वस्त्र तुमने पहने हैं। वो वचन क्या कह रहा है, वचन कह रहा है सिय्योन की बेटी से कहो तेरा राजा तेरे पास आता है। अपने वस्त्र उतार देना, अपने आप को समर्पण कर देना है उस खुदा के आगे, प्रभु मैं कुछ भी नहीं, चाहे मैं कितनी बड़ी पोस्ट पर हूं, चाहे मैं राजा हूं, दाऊद कहते हैं मैं राजा हूं, पर मैं तुच्छ हूं तेरे सामने। उसने अपने वस्त्र उतार दिए, उसकी पत्नी कहती है तू तुच्छ ही ना गया है। एक चीज अपने जीवन में याद रखिए, उस भीड़ में नहीं बताया गया कि कौन कौन से लोग थे, पर मैं ये समझती हूँ जब मैंने इसे पढ़ा, उस भीड़ में पापी भी हुए होंगे, दुखी भी हुए होंगे, बीमार भी हुए होंगे, शायद राजा भी हुए होंगे, चाहे अधिकारी भी हुए होंगे, प्रभुता रखने वाले भी हुए होंगे, लेकिन उन्होंने एक बात कही, प्रभु तू राजा है। हमारी ये सारी पोस्ट से लिया हुए आगे हम कदमों में बिछाते हैं, हमारा सारा आदर हम तेरे कदमों में बिछाते हैं, हमारी पोजीशन हम तेरे कदमों में बिछाते हैं, प्रभु अपना प्रेम हम तेरे कदमों में बिछाते हैं, हमारे पाप, हमारे गुनाह, हमारी गलतियां हम तेरे कदमों में बिछाते हैं। खुदा हमें एक बात जानते हैं, आज हमारे राजा का विजयी प्रवेश हो रहा है, और जब वो हमारे जीवन में आएगा, गुनाह को मिटा देगा, हमारे पापों को मिटा देगा, हमारे दुखों से हमें निजात देगा। ये अधिकार, ये पोजीशन, ये अथॉरिटी, ये सेवा, जो कुछ प्रभु है उससे बढ़कर तू है मेरे ईश्वर, उससे बढ़कर तू है। मैं सुबह भी जब इस वचन को तैयार कर रही थी, मैंने कहा प्रभु क्यों ये वचन नहीं हमें काटता, क्यों कई बार हम जब उस सत्ता में आ जाते हैं, उस अधिकार में आ जाते हैं, उस प्रभुता में आ जाते हैं, जब वो आदर हमें मिलने लगता है, हम तुझे कुछ जानने लगते हैं, हम तुझे पीछे कर देते हैं, हम कहते हैं मेरे अधीन रहो, मेरी सुनो, मेरी मर्जी करो। क्यों प्रभु, क्रूस तो तूने उठाया था, कष्ट तो तूने सहे थे, उस भीड़ ने तो सारे चमत्कार देखे थे, लाजर का मुर्दे में से जी उठना देखा था, बीमारों का चंगा होना देखा था, कोढ़ियों का चंगा होना देखा था, पर वो नहीं जानते थे कि इससे बड़ा चमत्कार तो वो भी आगे करने वाला है, वो क्रूस को उठाने वाला है हमारे लिए। लेकिन फिर भी वो यहाँ चिल्ला रहे थे, वो सेना का अर्थ है हमें बचा, फिर भी वो चिल्ला रहे थे हे राजा तू ही है, वो खुश थे हमारा राजा आ गया है, अब ये हमें बचाएगा। लेकिन आज हम जानते हैं कि वो हमारा राजा है, वो हमें बचा रहा है, जिसने पहले आगे भी बचाने की शक्ति रखता है। खुदा कहता है कौन से वस्त्र धारण करके मुझसे ऊंचे बन गए हो तुम, अपने उन वस्त्रों को उतारो और निछावर करो उस खुदा के चरणों में। प्रभु तू ही सब कुछ है, मेरा अधिकार कुछ नहीं है, मेरी पोजीशन कुछ नहीं है, मेरे अहदे कुछ नहीं है, प्रभु मैं अपना प्रेम तुझ पर निछावर करता हूँ, प्रभु मेरे दुख, मेरी तकलीफें, मेरे
है वो अच्छे दबे लोगों मेरे पास आओ, वो भी मैं ले लूंगा। यही विजयी प्रवेश है और यीशु मसीह आपके जीवन में वही विजयी प्रवेश करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि विजय तुम्हारी है, पर तुम मुझे प्रवेश तो करने दो, मेरे आगे सरेंडर तो करो, अपने वस्त्रों को उतारो तो सही, मत ढांको अपनी चीजों को। वस्त्र हमें कवर करके रखते हैं, हम छुपा के रखते हैं अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को, कई बार अपने हमारे जीवन में जो हालात है वो भी हम किसी को नहीं बताते, हम सोचते हैं हम खुद हैंडल कर लेंगे। परमेश्वर कहता है खोल दो अपने आप को, उजागर करो मेरे सामने, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है, पर जब तक तुम खोलोगे नहीं मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं द्वार पर खड़ा हूँ, खटखटा रहा हूँ, तुम दरवाजा खोलो तब मैं अंदर आऊंगा। मैं आना चाहता हूँ अंदर, मैं प्रवेश करना चाहता हूँ तुम्हारे जीवन में। ये विजयी प्रवेश यरूशलेम में था, पर यीशु कहते हैं मैं तुम्हारे जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ। अपने आप को खाली करो, अपने वस्त्रों को उतार कर उस यीशु के चरणों में बिछाओ। और यीशु कहते हैं हर एक घुटना टिकेगा उसके सामने, और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि वो ही परमेश्वर है, वो ही परमेश्वर है। इस विजयी प्रवेश का, कौन सरने का कोई मतलब नहीं अगर हमारे जीवन में हम अपने आप को उसके आगे सरेंडर नहीं करते, हम अपने ये वस्त्र उतारते नहीं। जो भी हमारी आज पहचान है, एक बात हम याद रखें, हमारी पहचान हमारा यीशु मसीह है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है, वही हमारी पहचान है। और जब हम उसको धारण करके चलेंगे ना, तभी हमारे जीवन में आदर है, महिमा है, वो हर रोज सेवा का कार्य सफल होगा, हर जगह हम आदर पाएंगे, हर जगह हम उठाए जाएंगे, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, इस संसार में, हर जगह वो खुदा हमें महिमा के साथ लेकर चलेगा। मैं विश्वास करती हूँ आज इस वचन के द्वारा खुदा हमसे और कुछ नहीं चाहता, बस यही चाहता है अपने आप को मेरे आगे खोल दो, उतार डालो और बिछा दो मेरे कदमों में अपने उन वस्त्रों को जो भी तुमने पहने हुए हैं। अपना स्टेटस मत देखो, अपनी पोजीशन मत देखो, तुम सेवकाई में कहां हो, रेवरेंड हो, पास्टर हो, क्या कुछ भी हो, मुझसे नीचे हो, मुझसे नीचे हो। और हमेशा हम अपने जीवन में इस बात को याद रखें, आज भी वो खुदा तैयार है हमारे दुख, हमारी तकलीफें, हमारी परेशानियां लेने के लिए भी। वो कहता है मेरे पास आओ और मैं तुम्हें चिंता मुक्त कर दूंगा। विश्वास करती हूँ इस वचन के द्वारा हम अपने उस खुदा को जान पाएंगे और अपने आप को उसके सामने उंडेल पाएंगे कि प्रभु तू ही है एकमात्र राजा, तू ही हमारा अधिपति पिता, हम तेरे आगे अपने आप को समर्पण करते हैं। तू वो राजा नहीं जो हमें अपना गुलाम बनाने आया है, पर तू हमें गुलामी से आजादी में लेकर आया है प्रभु। और अब तू चाहता है हम सिर्फ तेरी जरूरत बनकर चले, क्योंकि तुझे हमारा प्रयोजन है, तुझे हमारा प्रयोजन है। आइए हम जोरदार तालियों का आनंद लें।